कानपुर के रामा देवी सब्जी मंडी में मुफ्त में सब्जी न मिलने से नाराज सिपाहियों ने रिक्शा चालक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, जिसको घायल अवस्था में कानपुर के काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए हंगामा किया और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गोंडा में अपहरण की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें 24 जुलाई को एक युवक बाइक समेत गायब हो गया था, जिसके एक दिन बाद युवक की बाइक तो मिल गई, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल पाया। तभी युवक के परिजनों पर एक कॉल फिरौती के लिए आता है। परिजनों ने युवक की गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। इसी बीच अपहरणकर्ताओं की ताबड़तोड़ 3 ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए और SP विनीत जायसवाल के नेतृत्व में 4 टीमें गठित कर युवक की बरामदगी का प्रयास शुरू किया गया। सहारनपुर में चिकित्सक को धमकी भरे पत्र देकर रंगदारी मांगने वाले पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले एक अभियुक्त और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। श्रावस्ती में म्यूचुअल और खाली पदों पर गैर जनपद ट्रांसफर के लिए अनुमोदन, हर साल स्वयं के अनुरोध पर ट्रांसफर नीति लागू करने की मांग को लेकर NHM संविदा कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मांगे न पूरी किए जाने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और 5 अगस्त को प्रदेश के संविदा कर्मचारियों द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार के पोर्टल पर किए जाने वाले ऑनलाइन काम को बंद कर डिजिटल स्ट्राइक कर विरोध करने की चेतावनी दी। सहारनपुर में नगर निगम ने कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों और शिविर संचालकों के लिए की गई समस्त व्यवस्थाओं को एक किताब कांवड़ यात्रा 2024 व्यवस्था विवरण पत्रिका में संग्रहित कर पब्लिश किया गया, जिसका महापौर कार्यालय में उद्घाटन किया गया। प्रयागराज हंडिया थाना अंतर्गत पुलिस चौकी बरौस क्षेत्र के भीटी में नेशनल हाईवे के ओवरब्रिज पर ट्रक और DCM की आमने सामने भिड़त में एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को 108 की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा और मृतक युवक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ रूट पर मस्जिदों और मजार को पर्दों से ढका गया था। पर्दों से ढकी मस्जिद और मजार की खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और ज्वालापुर कोतवाली से 2 SPO ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद और मजारों से पर्दे हटाए। पर्दे हटाने वाले दानिश ने बताया कि मस्जिद और मजार से पर्दे हटाने के आदेश मिले थे। किचना में आगामी श्रवण कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए SSP उधम सिंह नगर ने अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SSP ने उधम सिंह नगर ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। बताया कि 27 जुलाई से 3 अगस्त तक कांवड़ पटरी में पड़ने वाली अंडा मांस मछली की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। कांवड़ पटरी पर पड़ने वाले सभी होटल ढाबे धर्मशाला जो मांस परोसते हैं सभी बंद रहेंगे। कांवड़ पटरी में पड़ने वाले शराब की दुकानें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर मीडिया के साथ खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनेता और पार्टी के लिए उनके द्वारा नहीं बंद किया जा सकता, क्योंकि संत किसी भी पार्टी का नहीं होता है। उन्होंने चारों धामों के नाम का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कॉपीराइट कानून बनाने वाले मुख्यमंत्री सिंह की भी सराहना की है। उन्नाव में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे के दही थाना क्षेत्र में शुक्रवार की दोपहर अंतिम यात्रा की बस घाट से लौटकर अशोक की तरफ जा रही थी। इस दौरान कुमोदान खेड़ा के पास बस का टायर फट गया और अनियंत्रित होकर डंपर से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 9 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली कक्षा 5 की छात्रा 3 दिन पहले धान की रोपाई करने गई थी कि अचानक गायब हो गई। उसका पास के जंगल में शव बरामद हुआ। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे SP ब्रजेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराजगंज के निचलौल विद्युत उपकेंद्र पर ट्रांसफर खोलने के दौरान सप्लाई चालू होने से 2 संविदा लाइनमैन गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल पहुंचाया गया, जहां एक लाइनमैन को मृत घोषित कर दिया गया जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। लाइनमैन को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद परिजनों ने शव को विद्युत उपकेंद्र लेकर पहुंचे, जहां निचलौली महाराजगंज मार्ग पर शव को रखकर जाम लगाया।
गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने दूधेश्वर नाथ मंदिर के पास दुकानों के बाहर गर्व से कहो हम हिंदू हैं के नाम के पोस्टर लगवाए। अखाड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण गिरी ने कहा कि हम कारगिल में हुए शहीदों की शहादत जो कि 25वीं वर्षगांठ पर सभी हिंदू दुकानों पर गर्व से कहो हम हिंदू हैं के पोस्टर लगवाने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं।